हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। रिसेंटली फिलिप्स ने एक न्यू एयर फ्रायर लॉन्च किया है जो कि है ये कनेक्टेड एयर फ्रायर। इसका मॉडल नंबर है HD9280। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इस एयर फ्रायर को हम कैसे अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं और इसे फिर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले अपने मोबाइल डिवाइस से आपको QR कोड स्कैनर से ये कोड स्कैन करना है। तो जैसे ही आप स्कैन करेंगे यहाँ पे देखेंगे ये लिंक पॉपअप हो जाएगा और ये आपको गाइड करेगा इंस्टॉल करने के लिए ये ऐप। तो आपको बस ये ऐप इंस्टॉल करनी है अपने डिवाइस पर। जैसे ही ये ऐप डाउनलोड हो जाए इसे हम ओपन करेंगे। देन यू नीड टू रजिस्टर ऑन दिस ऐप। तो सबसे पहले हम अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। एंड क्रिएट। ओके, सो नाउ यू नीड टू सिलेक्ट योर किचन अप्लायंस। एयर फ्रायर का हमारा ये मॉडल है एसेंशियल एक्सेल कनेक्टेड, सो वील सिलेक्ट दिस। उसके बाद हमें अपने अप्लायंस को सेटअप करना है। प्लग इन करने के बाद जस्ट कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन मिल रही है कि वी नीड टू प्रेस एंड होल्ड द मेन्यू बटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डिस्प्ले स्क्रीन अंटिल वी सी द वाईफाई सिंबल्स स्टार्ट ब्लिंकिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाईफाई का सिंबल ब्लिंक कर रहा है। नाउ वी नीड टू कंटिन्यू। सो कनेक्ट कनेक्ट। सो वील सिलेक्ट आर फिलिप्स सेटअप वाईफाई डिवाइस। ओके, सो वेल डन। नाउ पेयर योर अप्लायंस विद योर फोन। सो वी नीड टू प्रेस द डाउन एरो। Now we need to pair it and it's connected. So you need to select your Wi-Fi network. तो हमारा एयर फ्रायर हमारे Wi-Fi से कनेक्ट हो चुका है। And continue. So we need to tick this option. We need to turn on the remote cooking and finish. Your appliance is added and paired. तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने कैसे अपने एयर फ्रायर एसेंशियल एक्सेल कनेक्टेड को अपने वाईफाई के साथ कनेक्ट किया। एंड इट्स डन। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि कनेक्टेड एयर फ्रायर को यूज कैसे करें मोबाइल फोन की हेल्प से। तो यहाँ पे मैंने ऐप को ओपन कर लिया है। यहाँ पे ऑप्शन है अप्लायंसेस की। तो हमारा है एसेंशियल एक्सेल कनेक्टेड। सो यू कैन स्टार्ट मैनुअल कुकिंग और जो यहाँ पे ऑप्शंस दी गई हैं हम उसमें से एक सिलेक्ट कर लेते हैं, वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे आप चाहें तो ऐप की हेल्प से आप टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये 180 पे ही रखती हूँ और यहाँ पे मैं कुकिंग टाइम रिड्यूस कर रही हूँ टू 15 मिनट्स। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जो सेटिंग मैंने अपने डिवाइस में करी है वही सेटिंग यहाँ पे एयर फ्रायर में रिफ्लेक्ट हो रही है। 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 15 मिनट्स के लिए कुकिंग होगी। तो यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ पोटैटोस। लेट्स क्लोज द ड्रॉअर। मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगी। जब ड्रॉअर ओपन होगा तो ऐप के ऊपर ही आपको दिख जाएगा कि ड्रॉअर इज ओपन। एंड वंस यू क्लोज इट, इट विल शो दैट द एयर फ्रायर इज रेडी टू यूज। तो टेम्परेचर और टाइम दोनों हमारा सेट हो गया है। अब वी जस्ट नीड टू स्टार्ट कुकिंग। तो ऐप के ऊपर ही आप देख सकते हैं कि कुकिंग टाइम कितना हो चुका है, कितना रह गया है। अगर आप पॉज करना चाहें तो यहीं से ही आप पॉज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे भी चेक करना है कि हमारे पोटैटोज कितने कुक हो गए हैं। तो आई विल जस्ट पॉज इट फ्रॉम हेयर एंड आई विल चेक इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोटैटोज फ्राई हो चुके हैं। तो मैं ऐप के ऊपर यहाँ पे फिनिश कर रही हूँ विच इंडिकेट्स दैट कुकिंग इज डन। सो कुकिंग डन। सो नाउ यू हैव टू ऑप्शंस, कुक मोर और कीप वॉर्म। तो कीप वॉर्म का भी हमारे पास ऑप्शन है। तो यू कैन कीप योर कुक्ड डिश वॉर्म इन द एयर फ्रायर इटसेल्फ एंड डन। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हम इस न्यू
कनेक्टेड एयर फ्रायर को कैसे अपने वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे अपने मोबाइल डिवाइस से इस एयर फ्रायर को हम ऑपरेट कर सकते हैं। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो यूजफुल लगी होगी। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।